हाय, पावर थेफ्ट की समस्या हमारे देश में बहुत ही कॉमन समस्या हो गई है और ये सरकार के लिए सरदर्द भी बन चुका है। बिजली की चोरी एक इतनी आम बात हो गई है कि अगर किसी ने मीटर लगाया भी है तो भी गांवों में आपने देखा होगा कि लोग जो बिजली के खंभे होते हैं उनमें से तार डाल करके घर में बिजली यूज़ करते हैं, मीटर को बायपास कर देते हैं। अब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे? मैं आपको एक ऐसा इनोवेटिव प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ जिससे हम ये तरीका निकाल लेंगे कि पावर थेफ्ट अगर हो रहा है तो किस लोकेशन पे हो रहा है और कितना हो रहा है। तो सपोज़ ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का पोल है, अलग अलग एरिया में अलग टाइप के पोल होते हैं, इनसे हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से बिजली आती है। बहुत सारे सिटीज़ में ये अंडरग्राउंड भी होता है। सपोज़ ये आपका होम है, जनरली आप यहाँ पे मीटर लगाते हैं और मीटर के बाद आपको इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करनी चाहिए। बट कई बार क्या होता है, गांवों के इलाकों में या दूर दराज के इलाकों में लोग क्या करते हैं, इस मीटर को बायपास करने के लिए डायरेक्टली पोल से वायर लगा करके घर के जो हैवी अप्लायंसेस होते हैं जैसे कि गीज़र हो गया, वाटर हीटर्स हो गया, एयर हीटर हो गया, एयर कूलर हो गया, या फिर फ्रिज हो गया, या फिर एसी हो गया, उनको कनेक्ट कर देते हैं। तो मेन बिजली का खर्चा तो यहाँ पर हो रहा है, पर इलेक्ट्रिसिटी बस नाम मात्र के लिए मीटर से लगा करके बल्ब लगाते हैं और उसका बिल भरते हैं। अच्छा, इसे दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो मीटर को यहाँ पे ही बाईपास कर दो, या फिर पोल से डायरेक्टली वायर लगाते हैं। जिनके घर में मीटर नहीं होता है, लोग मीटर नहीं लगाते हैं, वो डायरेक्टली पोल्स से वायर कनेक्ट करके घर में यूज़ करते हैं। तो हमने देखा कि पावर की चोरी होती कैसे है। अब हमें ये देखना है कि इसे सॉल्व कैसे किया जा सकता है। हमें एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना होगा। डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके को थोड़ा सा बदलेंगे और वहाँ पर हर जोन में एक छोटा सा हार्डवेयर इंस्टॉल करेंगे जो पावर थेफ्ट को मॉनिटर कर सकता है। तो उसके लिए देखते हैं कि क्या सिनारियो है और कैसे अचीव कर सकते हैं। सपोज़ ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से आने वाला मेन पावर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, ये एक पोल है, ऐसे ही एक और पोल है, एंड सो ऑन। हमें क्या करना है, पोल पे जो पावर आ रहा है मेन लाइन से, यहाँ पर बीच में अपना एक हार्डवेयर यूज़ करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक हार्डवेयर कनेक्ट करेंगे, दैट इज़ नथिंग बट अ मॉनिटरिंग सिस्टम पोल पे जाने के जस्ट पहले। इसे आप नोड वन कह लो, दैट इज़ नोड वन, नोड टू एंड नोड थ्री। इस हार्डवेयर का जॉब होगा कि पोल में जितना भी करंट पास हो रहा है उसे मॉनिटर करना, से इस नोड पे आई वन करंट पास हो रहा है, इस पे आई टू एंड इस पे आई थ्री। अब यहाँ से जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है सबके घरों में वायर के थ्रू, सबका अलग अलग घर और सबके घर में लगा हुआ मीटर, मीटर से हमारा कोई रिलेशन नहीं है, हमारा काम सिर्फ पोल तक है। अगर किसी बंदे ने यहाँ पे टैपिंग करके अपने घर में बिना मीटर का कनेक्शन लिया है, दैट इज़ पावर थेफ्ट। सो इस पर्टिकुलर लोकेशन पे हम मानते हैं कि पावर थेफ्ट हो रहा है, बिजली की चोरी हो रही है, तो ये हमारा सस्पेक्ट है। आई वन, आई टू, आई थ्री, अगर आप इन्हें कंबाइन करते हैं, सारे करंट को अगर आप कंबाइन करेंगे आपको मिलेगा आई जो कि यहाँ से पास हो रहा है। सो ये आपका टोटल करंट है जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में पास हो रहा है और ये नोड करंट्स हैं। अब हमें करना ये है कि हम एक ऐसा हार्डवेयर डेवलप करेंगे जो करंट को मॉनिटर करके
वायरलेसली एक रिमोट सर्वर पे सेंड करें, आइदर वाया आईओटी या फिर जिगबी बेस्ड वायरलेस सेंसर नेटवर्क के थ्रू। हम यहाँ पे प्रेफर करेंगे आईओटी बेस्ड। आप डेमो के लिए जिगबी यूज़ कर सकते हैं, बट प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रैक्टिकल सिनारियो में इस सिस्टम को रियलाइज़ करने के लिए या इंस्टॉल करने के लिए आईओटी इज़ प्रेफरेबल। सो हर हार्डवेयर अपने पोल पे कंज्यूम होने वाले करंट को मॉनिटर करता रहेगा और उसे एयर में ट्रांसफ़र करेगा, जो कि एक सेंट्रल सर्वर पीसी पे जाएगा। ये पीसी आपका नेटवर्क्स में कनेक्टेड है। इस पीसी पे हमें एक और हार्डवेयर कनेक्ट करना होगा, ये हार्डवेयर टोटल करंट को मॉनिटर करने के लिए यूज़ किया जाएगा। ग्रिड में टोटल कितना करंट फ्लो हो रहा है उसे मॉनिटर करना है रियल टाइम में। सो इस हार्डवेयर से हमें आई का वैल्यू मिल जाएगा। आप उसे ग्राफिकल में प्लॉट भी कर सकते हैं प्रोजेक्ट को और इंटरेक्टिव बनाने के लिए। हमारे पास I1 मिल जाएगा, I2 मिल जाएगा, I3 मिल जाएगा एंड सो ऑन। हमने अज्यूम किया है कि यूज़र ने पावर थेफ्ट इस पर्टिकुलर लोकेशन से किया है, तो ये हमारा सस्पेक्ट है। पावर थेफ्ट एक और मेथड से भी हो सकता है, यहाँ से भी। तो हमारे पास दो सिनारियो है जहाँ जिस तरीके से पावर थेफ्ट हो सकता है। पहला एक सिनारियो है जो इस हार्डवेयर के बाद नोड पे होगा, दूसरा इस हार्डवेयर और इस हार्डवेयर के बीच में इन पावर लाइन, जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, जो वायर आपको दिखते हैं पोल्स टू पोल जा रहा है वहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये हमारा सस्पेक्ट टू, आप इसे सस्पेक्ट नंबर 2 लिख दीजिए और इसे आप सस्पेक्ट नंबर 1 लिख दीजिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी कुछ करंट कंज्यूम होगा, तो इसका करंट कंज्यूमशन IX लिख देते हैं। दोनों थेफ्ट को मॉनिटर करने के लिए दो अलग अलग तरीके की ज़रूरत पड़ेगी हमें। ये मॉनिटर करने के लिए, यहाँ पे जो थेफ्ट हो रहा है उसे मॉनिटर करने के लिए हमें एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। वो हम बाद में देखते हैं कैसे कर सकते हैं। अगर प्रोजेक्ट को आप बहुत ही एडवांस बनाना चाहते हैं तो आप ये पार्ट इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं कि यहाँ का थेफ्ट कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है। नाउ हमारे पास I1, I2, I3 ये सारे करंट्स हर नोड से आ रहे हैं। सिस्टम का सॉफ्टवेयर क्या करेगा, इनको ऐड करके फाइनल वैल्यू जनरेट करेगा। सो आई सोर्सिंग एंड आई कलेक्टिंग, ऐसे दो हमने नाम दे दिया। इन दोनों के बीच का अगर डिफरेंस, एक पर्टिकुलर लिमिट हम सेट करेंगे, उस लिमिट से ज़्यादा हो जाता है, मतलब कि जो कलेक्टेड करंट है वो कम है और सोर्स करंट जो है वो ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बीच में पावर का थेफ्ट हो रहा है या पावर की चोरी हो रही है, बिजली की चोरी हो रही है। तो उसके लिए हमें एक लिमिट सेट करना होगा। क्या होता है कभी कभी, लिमिट हमने क्यों सेट किया है उसका एक रीज़न है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में थोड़ा एयर में पावर लॉस होता है, तो कहीं ना कहीं पावर लॉस रहता है, तो एक थोड़ा सा बेरेबल लिमिट हमें रखना होगा। अगर लिमिट क्रॉस हो जाता है तो हमारा सिस्टम इमीडिएटली अलर्ट जनरेट करेगा कि हाँ भाई पावर की चोरी हो रही है। तो इस तरीके से तो हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि चोरी हो रही है, लेकिन चोरी कहाँ हो रही है वो भी हमें फाइंड आउट करना है। तो वो देखते हैं कि कैसे पता चलेगा। अब बिजली की चोरी किस लोकेशन पर हो रही है वो जानने के लिए अगेन हमें हार्डवेयर में थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस करना होगा, क्योंकि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है लोकेशन आइडेंटिफाई करना। थोड़ा बहुत हमें हार्डवेयर का सपोर्ट लेना होगा और मॉडिफिकेशन करके। यहाँ पर जो हार्डवेयर था नोड, उसका जॉब, करंट जॉब क्या था, उसके थ्रू कितना करंट पास हो रहा है, कितना करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसे मॉनिटर करके ट्रांसफ़र करना। साथ में यही नोड एक और चीज़ मॉनिटर करेगा, उसे क्या करना है, इस नोड के बाद आगे कितना करंट पास हो रहा है वो मॉनिटर करना।
और उस इंफॉर्मेशन को भी यहाँ पर सेंड करना सेंट्रल सर्वर पे, से इस पर्टिकुलर नोड से N1 करंट पास हो रहा है। उसी तरीके से ये नोड भी मॉनिटर करेगा इस पर्टिकुलर नोड से आगे मॉनिटर करके N2 करंट पास हो रहा है एंड सो ऑन, यहाँ पर N3 आगे पास हो रहा है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन भी सर्वर पे आ रहा है। सर्वर का सॉफ्टवेयर क्या करेगा, N1 से पास होने वाले करंट को और N2 से पास होने वाले करंट को कंपेयर करेगा। अगर करंट का वैल्यू अगेन एक लिमिट के अंदर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो इसका मतलब ये है कि बट ऑब्वियस है कि इन दोनों के बीच में ही कहीं पर टैपिंग हुआ है। तो सिस्टम को ये समझ में आ जाएगा अगर पावर थेफ्ट डिटेक्ट होता है, पहले इसके बेसिस पे हम चेक करेंगे कहीं पावर थेफ्ट हो रहा है या नहीं। अगर पावर थेफ्ट हो रहा है तो सिस्टम आगे का एक्शन लेगा, ये प्रोग्रेसिव अप्रोच है, आगे का एक्शन लेगा और ये फाइंड आउट करेगा कि किस नोड में हो रहा है बाय कंपेयरिंग द नोड करंट्स जो आगे डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में जा रहे हैं। अच्छा, डिफरेंस क्यों आएगा, डिफरेंस इसलिए आएगा अगर बीच में पावर थेफ्ट हो रहा है तो एक्सेस करंट यहाँ से इसमें पास होगा और कम करंट यहाँ पर जाएगा। तो यहाँ से पास होने वाला जो करंट है और यहाँ से जो पास होने वाला करंट है, दोनों के वैल्यू में डिफरेंस होगा। यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू दिखाई देगा, यहाँ पे कम वैल्यू दिखाई देगा, तो वो डिफरेंस एक लिमिट से ज़्यादा है तो सिस्टम फाइंड आउट कर सकता है कि इस नोड और इस नोड के बीच में कहीं पर भी टैपिंग हुआ है। तो इस तरीके से हमने सस्पेक्ट टू सिनारियो, जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के बीच में जो टैपिंग होता है उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखा। अब हमें देखना है कि अगर इस नोड के बाद आगे कहीं टैपिंग होता है या किसी ने मीटर बायपास किया है तो वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, दैट इज़ हमारा सिनारियो वन था। अच्छा, ये चीज़ फाइंड आउट करना अगेन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, उसके लिए अब हमें इन मीटर्स का भी हेल्प लेना पड़ेगा। तो हम जो मीटर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनमें भी थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस करेंगे। तो हर एक मीटर अपने इन्फॉर्मेशन को, दैट मीन्स कितना करंट कंज्यूम हो रहा है जो मीटर साइड पर है, से M1 हर एक होम के लिए, M2, M3, M4 एंड सो MN, हर एक मीटर अगेन इसी इन्फॉर्मेशन को सर्वर पे सेंड करेगा, अगेन सेम मेथड ZigBee या IoT के थ्रू। तो ये मॉडिफिकेशंस भी हमें इनकॉर्पोरेट करना होगा सिस्टम में। अब ये इन्फॉर्मेशन जब यहाँ पे आएगा, सॉफ्टवेयर प्रोग्रेसिवली ये चेक करेगा। अगर सॉफ्टवेयर को कहीं पर भी नोड के बीच में पावर थेफ्ट नहीं मिला तो सॉफ्टवेयर अगले पार्ट में आएगा, किसी एक पर्टिकुलर नोड को पकड़ेगा, उससे डिस्ट्रीब्यूट होने वाले सारे करंट को इकट्ठा करेगा और मेजर करके चेक करेगा कि क्या इनका वैल्यू, कंबाइंड इनका वैल्यू जो कि हम एम अज्यूम करते हैं M1 प्लस M2 प्लस एंड सो ऑन MN, अगर इक्वल है तो फिर वो नेक्स्ट जोन को पकड़ेगा और फिर उससे डिस्ट्रीब्यूट होने वाले सारे करंट को मॉनिटर करेगा। तो हमारे केस में हमने यहाँ पे ही थेफ्ट दिखाया है या यहाँ पे ही कोई मीटर बायपास कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इक्वेट नहीं होगा। इक्वेट नहीं हुआ मतलब कि ये वैल्यू कम आएगा और ये वैल्यू ज़्यादा आएगा, दिस विल बी लेस एंड दिस विल बी मोर, मतलब कि यहाँ से ज़्यादा करंट सप्लाई हो रहा है बट मीटर के रीडिंग के हिसाब से उतना करंट कंज्यूम नहीं हो रहा है। एक्सेस करंट कहाँ पे जा रहा है, जिसने पावर थेफ्ट किया है, बिजली चुराई है, उसके घर में जा रहा है। तो इस तरीके से हम एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन नोड को फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस साइड पे पावर की चोरी हो रही है। तो इस तरीके से आपने देखा हम एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम डेवलप करके एक कॉम्प्लेक्स अप्रोच से, प्रोग्रेसिव अप्रोच से, एक इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू पूरा का पूरा पावर थेफ्ट सिस्टम को डिज़ाइन कर सकते हैं। पावर थेफ्ट फाइंड आउट कैसे करना है उस सिस्टम को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हमने टॉपिक का नाम रखा है ऑटोमेटिक पावर थेफ्ट डिटेक्शन सिस्टम। अब आप इसे थोड़ा मॉडिफाई कीजिए, अब आप लिख सकते हैं इसका नाम मॉडिफिकेशन डिटेक्शन सिस्टम विथ लोकेशन
ट्रेसिंग किस लोकेशन पर बिजली की चोरी हो रही है वो हम फाइंड आउट करेंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे कि हार्डवेयर साइट पे क्या होगा, अलग अलग लेवल पे हम क्या करेंगे, हार्डवेयर को कितना कॉम्प्लेक्स बनाया जा सकता है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। बट एक चीज़ ध्यान में रखना, अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं तो आप थोड़े से हार्डवेयर से भी काम चला सकते हो, सिर्फ पावर थेप डिटेक्शन दिखा करके आपका काम चल जाएगा। लोकेशन फाइंड आउट करना है, अगर आप बी के स्टूडेंट हैं तो आप एक टाइप का लोकेशन दिखा करके बता सकते हैं कि एक तरीके से हम पावर डिटेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ पे चोरी हो रही है। अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप ये सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट करें जिसमें मीटर भी इन्वॉल्व हो जाएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन योर ब्रांच, योर स्ट्रीम एंड योर ग्रेड, आप इस सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि बेसिक सिस्टम कैसे वर्क करेगा। तो पहले हम एक सेंट्रल पीसी यूज़ करेंगे। पीसी पे हमें एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना होगा जो vb.net या c#.net में आप डेवलप कर सकते हैं। डेटाबेस भी हमें मैनेज करना होगा तो आप SQL सर्वर में डेवलप कर सकते हैं। पीसी को हमें एक हार्डवेयर से कनेक्ट करना होगा, उसके लिए पीसी के यूएसबी पोर्ट को यूज़ करेंगे। डेमो के रेस्पेक्ट में बता रहा हूँ, यूएसबी पोर्ट अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको बीच में एक यूएसबी टू टीटीएल कन्वर्टर लगेगा। यूएसबी टू टीटीएल कन्वर्टर हमारे माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड एम्बेडेड सिस्टम से कनेक्ट हो जाएगा। ये जो हार्डवेयर हम बना रहे हैं ये सप्लाई साइड पे टोटल करंट जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में जा रहा है उसे मॉनिटर करने के लिए हम डेवलप कर रहे हैं। माइक्रो कंट्रोलर इनपुट लेगा एक करंट सेंसिंग नेटवर्क से, करंट सेंसिंग यूनिट या मॉड्यूल आप बता सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे मॉड्यूल्स रेडीमेड आते हैं जो कितना करंट पास हो रहा है पर्टिकुलर सर्किटरी में उसे मॉनिटर कर सकते हैं। तो डेमो दिखाने के लिए आप इससे 230 वोल्ट एसी दे करके आगे कोई बल्ब लगा दो तो इसमें कितना करंट पास हो रहा है सिस्टम में वो आपको मॉनिटर हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसे मानते हैं कंप्लीट सोर्स करंट, तो IS नाम देंगे इसको। कंट्रोलर आप यहाँ पे कोई भी यूज़ कर सकते हैं, आप 8051 यूज़ कीजिए, Arduino यूज़ कीजिए। एक चीज़ ध्यान में रखना कि इसका जो आउटपुट होगा वो एनालॉग होगा, इट विल बी एनालॉगस टू द करंट, जितना भी फ्लो हो रहा है एनालॉगस होगा। तो हमें उसे डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए अगर आप 8051 यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ बीच में एक ADC यूज़ करना होगा। बिल्ट इन ADC 8051 में नहीं होता है, तो ADC 0809 नंबर है, आप उसे इंटरफेस कर सकते हैं। वो ये 8 चैनल का ADC है, कोई भी एक चैनल यूज़ करके एनालॉग इनपुट दीजिए, ADC से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं 8-bit मोड में। Arduino यूज़ करते हैं तो आपको ADC की ज़रूरत नहीं है, आप AVR या PIC भी यूज़ कर सकते हो। AVR और PIC में भी बिल्ट इन ADC होता है तो आपको ADC की ज़रूरत नहीं है। तो डेटा हमारा कलेक्ट हो चुका है, मतलब कि कितना करंट सोर्स कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, हम वो मॉनिटर करके स्क्रीन पे ग्राफिकल वे में डिस्प्ले कर सकते हैं, साथ में वैल्यू में भी डिस्प्ले करेंगे, जो कि हमारा IS हो गया। अब सिंस ये PC हमें नेटवर्क में कनेक्ट करना होगा, नेटवर्क मतलब इंटरनेट से हमें इसे कनेक्ट करना होगा, या फिर इस PC को सिंस वायरलेसली डेटा मॉनिटर करना है, IoT के थ्रू डेटा मॉनिटर करना है, जो रिमोट नोड्स हैं जो पोल पे लगे हुए हैं या अलग अलग जोन में लगे हुए हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर वायरलेस कर रहे हैं तो इसी PC से हमें
एक ZigBee मॉड्यूल भी कनेक्ट करना होगा। तो ZigBee मॉड्यूल कनेक्ट करने के लिए अगेन USB TTL लगेगा और एक ZigBee आप कनेक्ट कर सकते हैं डेमो के लिए। रेंज अभी डेमो के लिए 100 मीटर्स का होगा, इट इज़ मोर देन एनफ कि आप डेमो आराम से दिखा सकते हैं। इंटरनेट से अगर आप IoT के थ्रू डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो इंटरनेट कनेक्टिविटी करना होगा जो कि LAN के थ्रू होगा। क्लियर। PC के सॉफ्टवेयर का वेरियस जॉब होगा वो हम डिटेल में बाद में देखते हैं, पहले ये हार्डवेयर हो गया हमारा। और हाँ, इसमें एक चीज़ मिसिंग है। क्या मिसिंग है? सर्किट को पावर सप्लाई। इस सर्किट को पावर कहाँ से मिलेगा? तो हम एक पावर सप्लाई डेवलप कर सकते हैं 230 वोल्ट AC लेकर के। सिस्टम विल जनरेट प्लस 5 वोल्ट DC। ठीक है, पावर सप्लाई आप एक रेगुलेटर से डेवलप कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा PC साइट का हार्डवेयर। अब देखते हैं नोड साइट पे क्या हार्डवेयर होगा। पहले सिंपलेस्ट सिनारियो देखते हैं जो कि हमारे केस में थेफ्ट सिनारियो 2 था। तो हमने अज्यूम किया कि ये पोल है, ये एक और पोल है और इनके बीच में कहीं पर टैपिंग हो रहा है। ये हमारा सिनारियो 2 था। सो पावर थेफ्ट यहाँ पे हो रहा है, अज्यूम करते हैं। यहाँ का जो हार्डवेयर होगा वो क्या करेगा वो देखते हैं। सिंपलेस्ट सर्किट पहले देखेंगे। इस हार्डवेयर में भी करंट मॉनिटर करने के लिए हमें करंट सेंसर लगाना होगा, जैसे हमने वहाँ पे लगाया था। करंट सेंसर का आउटपुट एनालॉग होगा। अगेन हम माइक्रो कंट्रोलर वाया ADC और स्पेसिफिक कंट्रोलर यूज़ करके वायरलेस नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं वाया ZigBee। 2.4 GHz पे वर्क करेगा। सर्किट को खुद को वर्क करने के लिए पावर सप्लाई लगेगा जो कि आप इसी नेटवर्क से 230 वोल्ट का पावर लेकर के प्लस 5 वोल्ट और प्लस 3.3 वोल्ट जनरेट कर सकते हैं। वायरलेस के लिए हमने ZigBee यूज़ किया WSN के लिए। और अगर आपको IoT यूज़ करना है तो आपको पता है कि आप यहाँ पे ESP8266 करके मॉड्यूल आता है वो लगाएंगे जो वाईफाई के थ्रू इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगा। डेमो के लिए ओके है। प्रैक्टिकल इंस्टॉलेशन में वाईफाई तो नहीं रहेगा सब जगह पे, तो यहाँ पे प्रैक्टिकल इंस्टॉलेशन जब होगा तो वहाँ पे GPRS बेस्ड कनेक्टिविटी यूज़ करेंगे। तो उसमें क्या होता है, एक GPRS मॉडेम आता है जिसमें एक सिम कार्ड हम यूज़ करेंगे और वो मोबाइल नेटवर्क के थ्रू इंटरनेट पे कनेक्ट हो जाएगा, बाकी रेस्ट फंडामेंटल सेम रहेगा। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये करंट को मॉनिटर करके से नोड 1 का करंट N1 PC पे सेंड कर रहा है। सिमिलरली नोड 2 का करंट PC पे जा रहा है। PC का सॉफ्टवेयर जब उसे पावर थेफ्ट डिटेक्ट होगा एल्गोरिदम को, तो वो इन दोनों करंट को मॉनिटर करेगा। अगर करंट इक्वेट नहीं होता है, डिफरेंस आता है, तो वो समझ जाएगा कि इसके बीच में पावर थेफ्ट हुआ है, तो हमें लोकेशन मिल जाएगा। तो ये एक सिनारियो 2 था हमारा जिसे हमने इजीली अचीव कर लिया। अब देखते हैं सिनारियो 1 में हम कैसे अचीव कर सकते हैं। सिनारियो 1 में अगेन 2 सिनारियो था। मैंने आपको बताया था कि सपोज़ ये हमारा पोल है, आगे पावर जा रहा है पोल से डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट। अगर यूज़र ने यहाँ से ही थेफ्ट कर लिया या फिर लोगों ने जो मीटर है अपने घर में वहीं पे बाईपास कर दिया, दोनों चीज़ें सेम ही हैं बट दो डिफरेंट सिनारियोस हैं। अब यहाँ का हार्डवेयर क्या होगा वो देखते हैं।
करंट सेंसर। अब मैं इसमें सिनारियो टू का भी पार्ट कंबाइन करने वाला हूँ, तो दो करंट सेंसर होगा। एक करंट सेंसर ग्रिड पोल टू पोल, नोड टू नोड जो पावर जा रहा है उसके करंट को मॉनिटर करने के लिए यूज़ होगा, और दूसरा करंट सेंसर जो डिस्ट्रीब्यूशन में आगे पास हो रहा है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ से सबके घर पे सप्लाई कनेक्ट हो रही है, ठीक है। तो टोटल कितना सप्लाई जा रहा है करंट का, वो ये मॉनिटर करेगा। अब ये दोनों इन्फॉर्मेशन वाया एडीसी या नॉर्मल कंट्रोलर, अगर ऑर्डिनो यूज़ करते हैं 8051 के अलावा कोई और यूज़ करते हैं तो एडीसी की ज़रूरत नहीं, पहले ही बताया मैंने आपको, माइक्रो कंट्रोलर पे आ जाएगा। माइक्रो कंट्रोलर का सॉफ्टवेयर अगर हमें थोड़ा सा और इंटरेक्टिव बनाना है तो एलसीडी के ऊपर पहले इन वैल्यूज़ को डिस्प्ले करेगा स्क्रीन पे। एलसीडी आप 16:2 कैरेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोलर इस इंफॉर्मेशन को ZigBee नेटवर्क के थ्रू एयर में ट्रांसफ़र कर देगा सेंट्रल सर्वर के लिए या फिर ESP8266 मॉड्यूल यूज़ करेंगे। वाईफाई नेटवर्क के लिए आप IoT भी कह सकते हो, या फिर अगर आप ये दोनों यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो अगेन GPRS बेस्ड सिस्टम डेवलप कर सकते हैं, सिम कार्ड लगा और उसके थ्रू मोबाइल नेटवर्क के थ्रू वो इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगा। अगर आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पे HTTP प्रोटोकॉल यूज़ करना होगा, पोस्ट प्रोटोकॉल। HTTP पोस्ट प्रोटोकॉल के थ्रू आप पैकेट्स को नेटवर्क में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो कि एक वेब सर्वर के पास जाएगा। वेब सर्वर हमें यूज़ करना होगा जिसमें हम एक ASP.NET में छोटा सा कोड डेवलप कर सकते हैं, जिसका काम होगा आने वाले पैकेट को एक्सेप्ट करना और उसे फॉरवर्ड कर देना टू रिमोट PC बेस्ड सर्वर, सेंट्रल सर्वर वहाँ पे, जो हमारा PC का सॉफ्टवेयर था। तो ये हार्डवेयर हो जाएगा दूसरे सिनारियों में सर्किट को वर्क करने के लिए पावर सप्लाई की ज़रूरत होगी, जिसे हम 230 वोल्ट AC से जनरेट करेंगे। सो प्लस 5 वोल्ट एंड प्लस 3.3 वोल्ट फॉर ZigBee मॉड्यूल। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि सेकेंड सिनारियो के लिए डिस्ट्रीब्यूशन में अगर थेफ्ट हो रहा है उसे फाइंड आउट करने के लिए हमें मीटर्स का भी हेल्प लेना होगा। तो मीटर साइड का जो हार्डवेयर होगा वो 90% सेम ही होगा, बस उसमें दो करंट सेंसर की बजाय सिर्फ एक करंट सेंसर यूज़ करेंगे। तो आप इसी हार्डवेयर को दोबारा बना करके मीटर की तरह भी बता सकते हैं कि ये मीटर का हार्डवेयर है या फिर ये पोल साइड का हार्डवेयर है, पोल या नोड का हार्डवेयर है, ठीक है। दोनों सेम रहेगा, बाकी सारा का सारा इंटेलिजेंस हमारे सॉफ्टवेयर पार्ट में होगा। तो हमने देखा कि किस तरीके से हमने थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न्स यूज़ करके थोड़ा सा इंटेलिजेंट सिस्टम डिज़ाइन करके ये पता लगा लिया कि पावर का थेफ्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा है तो किस लोकेशन पर हो रहा है, और उसके जो भी सिनारियो थे, जो भी क्या कहते हैं इंटीग्रिटी थी या जो भी कॉम्प्लेक्सिटी थी, उसको कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं वो हमने देखा। इस टॉपिक के बारे में और डिटेल में जानकारी के लिए, या आपको कुछ भी पूछना है, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी जानना चाहते हैं, या किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को करते समय आप स्टक हो जाते हैं, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि सर मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजिए, नो इशू, मैं आपके फ़ोन का रिस्पॉन्स दूंगा। मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा, और उसके बाद भी अगर आप डेवलप नहीं कर पाते हैं तो आप मुझे कह सकते हैं डेवलप करने के लिए, मैं आपके लिए टॉपिक डेवलप करके आपको प्रोवाइड कर सकता हूं। तो इसी तरीके के ढेर सारे अच्छे और इनोवेटिव कॉन्सेप्ट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
हमें शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं बार बार आपके सामने आ करके आपको अच्छे अच्छे टॉपिक या कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हे, ऐसे ही ढेर सारे प्रोजेक्ट आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट के लिए आप हमारी वेबसाइट logicinsight.net पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ आपको आपके पसंद के किसी भी टॉपिक पे डिटेल्स मिल जाएंगे, और अगर नहीं है तो कमेंट में बताइए। अगला वीडियो सिर्फ आपके लिए ही होगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। बाय बाय।